संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू हुआ। पुरानी संसद में आखिरी बार संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री कई बार भावुक होते हुए दिखे। अपने बचपन के कठिन दिनों को याद करते हुए उन्होंने लोकतंत्र की खूबियां गिनाई। पीएम मोदी ने कहा कि एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर रहने वाला भी संसद पहुंच गया है। ये हमारे देश की लोकतंत्र की ताकत है और हम सब की ये एक साझा विरासत है। हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। आजादी के पहले ये सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था। आजादी के बाद ये संसद भवन के रूप में उसको पहचान मिली। ये सही है और हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों के। आगे पीएम मोदी ने कहा कि देश भले ही नए संसद भवन की ओर जा रहा हो, लेकिन पुराना भवन भी लोगों के लिए प्रेरणा बना रहेगा। हम भले नए भवन में जाएंगे, लेकिन पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। पुराने भवन को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि इस सदन में हमने आतंकी हमला देखा, नोकझोंक देखी, लेकिन फिर भी हम सब ने मिलकर देश को आगे बढ़ाया और उस पर गर्व करने के लिए काम किया। वहां से लेकर के अटल जी, मनमोहन सिंह जी तक एक बहुत बड़ी श्रृंखला जिसने इस सदन का नेतृत्व किया है और सदन के माध्यम से देश को दिशा दी है, देश को नए रंग रूप में ढालने के लिए उन्होंने परिश्रम किया है, पुरुषार्थ किया है। आज उन सब का गौरवगान करने का भी अवसर है। बता दें, नए संसद भवन में शिफ्ट होने से पहले पुराने संसद भवन में संसदीय कार्रवाई का आखिरी दिन था। ऐसे में पीएम मोदी ने कहा कि गणेश चतुर्थी पर हम नए संसद में जाएंगे। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। अब देश के विकास में कोई भी बाधा नहीं आएगी।